नमस्कार, मैं प्रिया। आज 2 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार आने के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। बंद के कारण बिहार के रहने वाले लाखों मजदूर और हजारों छात्र जहां हैं वहीं पर फंस गए थे। वहीं कुछ राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए अब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। इसी क्रम में बिहार में भी अब मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन के चलाने की अनुमति मिल गई है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। खबरों की माने तो इसके लिए सभी जनरल मैनेजर को स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को ट्रेन प्लान करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बाहर फंसे सभी लोगों की एक बार फिर से बिहार वापसी का रास्ता खुल गया है। वहीं बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। देश में एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। देश में एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए बंद की अवधि को बढ़ा दिया गया है। खबरों की माने तो कोविड-19 के मामले राज्यों में लगातार आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने सभी को अधिसूचना जारी करते हुए इसका ऐलान जारी किया है। यानी कि 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस दौरान जारी रहने वाले गतिविधियों को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं इस बार के बंद में कुछ रियायत भी साफ दिया है। चाहे छूट कितनी भी हो, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जिसके बाद अब रेड जोन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है। ग्रीन ऑरेंज में काफी छूट पहले भी दी गई थी और आगे भी दी जाएगी। बिहार में कोविड-19 की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। जहां एक समय ऐसा था जब बिहार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को सामान्य माना जा रहा था, वहीं आज एक ऐसा समय है जब लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन बिहार में कोविड-19 के लगातार नए मामले के मिलने का सिलसिला जारी रहा है। जिसके बाद राज्य में अब कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 466 पहुंच गया है, जिसमें कि ज्यादातर लोग मधुबनी, बक्सर, कैमूर और रोहतास के हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। साथ ही कोविड-19 प्रभावित सभी क्षेत्रों को जल्द से जल्द सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया गया है। बक्सर और कैमूर में कोरोना के नए मामले आए सामने। बिहार में लगातार कोविड-19 का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन बक्सर और कैमूर में मिलाकर 15 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रभावित सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम करने और लोगों की आवाजाही को बिल्कुल बंद करवाने का आदेश जारी किया है। वहीं सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। घर आने वाले छात्रों, कामगारों को क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों का समय होगा बिताना। केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ बिहार के बाहर फंसे सभी लोगों को बिहार वापस आने की अनुमति दी है, वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वापस आने वाले सभी लोगों को जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जिसके तहत बिहार में प्रवेश करने से पहले सभी लोगों को अब उनके अपने जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों तक का समय बिताना होगा। अगर 21 दिनों में उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो उन्हें घर भेजा जाएगा, वरना गाँव में एंट्री नहीं दी जाएगी। जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए यह साफ कहा है आने वाले दिनों में सभी लोगों की जांच की जाए, साथ ही उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जाए। वहीं सभी गांव के पंचायत राज विभाग में भी अपने अधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार के 5 जिले रेड तो 20 जिले ऑरेंज जोन में है। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों के विभिन्न जिलों को अलग अलग जोन में बांटा था। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया को रेड जोन में डाला गया है। यानी कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों को पाया गया है। वहीं नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय और वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया को ऑरेंज जोन में डाला गया है। यानी कि यहाँ पर कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों की संख्या सामान्य है। जिसके बाद ग्रीन जोन में शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों को शामिल किया गया है। सासाराम में लगातार कोविड-19 के मामले में हो रही है बढ़ोतरी। बिहार के सासाराम जिले में लगातार कोविड-19 के प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो सासाराम में प्रभावितों का आंकड़ा 50 को पार कर चुका है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि लगातार मिल रहे मामलों की वजह से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से प्रभावित सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही चेन को तलाशने की कोशिश भी की जा रही है, जिसकी जानकारी प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सासाराम में लगातार कोविड-19 के मामले में इजाफा हो रहा है और बीते दिन यहां पर कई मामले सामने आए हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद ने शिक्षा चैनल को शुरू करने का किया आग्रह। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने बीते दिन छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से छात्रों के लिए 24 घंटे चलाने वाले शिक्षा चैनल दूरदर्शन शिक्षा शुरू करने का आग्रह किया है। इसके लिए आनंद कुमार ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की है और साथ ही कहा है कि एक विशेष शिक्षा चैनल देश भर के छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि बंद के इस माहौल में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। ऐसे में छात्रों का काफी समय बर्बाद हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष चैनल को करने की आवश्यकता है।
प्रवासी मजदूरों को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देगी सरकार। कोविड 19 के बढ़ते इस दौर में शिल्पियों की मदद के लिए सरकार अब अग्रसर होकर काम कर रही है, जिसके तहत सरकार ने शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और उत्पादों को खरीदने की योजना बनाई है, जिससे उनको बाजार उपलब्ध कराया जा सके। इसके तहत बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को हस्तशिल्प प्रशिक्षण भी देने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री श्याम रजक ने दी है और कहा है कि कोविड 19 की इस परिस्थिति में सरकार कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार श्रमिकों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदने की योजना बना रही है और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान उनके उत्पादों को खरीदेगा भी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनके सामान की कीमत की 50% राशि सामान की आपूर्ति के समय दे दी जाएगी। इसके शिल्पियों को काफी ज्यादा मदद भी मिलेगी। सभी मुखियाओं से गांव में आने वाले पर पैनी नजर रखने की अपील। कोविड 19 के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूर के बाहर फंसे होने सभी लोगों को वापसी के फैसले के बाद सरकार ने गांव के सभी मुखिया को दिशा निर्देश जारी कर दिया, जिसके तहत प्रवासियों को बिना जांच गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान जारी किया गया है। वहीं हर एक प्रवासी पर पैनी नजर बनाए रखने की भी अपील की गई है, जिसके लिए मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन हुई बैठक में सभी मुखियाओं को यह निर्णय सुना दिया गया है, जिसके तहत एक एक प्रवासी की जांच करवाने की जिम्मेदारी सभी पंचायत के सरपंच और मुखिया को सौंपी गई है। बिहार के मधुबनी जिले में बीते दिन एक साथ 13 नए मामले आए सामने। कोविड 19 का असर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते दिन बिहार के मधुबनी जिले में एक बार फिर से 13 नए मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। वहीं पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों के इलाज की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी द्वारा जारी की गई है। 2 मई को पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश की बढ़ी संभावना। 2 मई यानी कि आज पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते दिन आंधी के साथ साथ हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अचानक से बारिश की वजह से तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं बारिश के कारण को बताते हुए मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों पर एक निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और यही कारण है कि पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान से होकर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में आ गई है। बिहार की सीमा पर आए मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है सरकार। यह वाकया कैमूर जिले का है, जहां पर बीते दिन 500 लोगों को उनके घर भेजा गया है। खबरों की माने तो दूसरे राज्यों से पैदल चलकर मजदूरों की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं किसी तरह बिहार पहुंचे मजदूरों को अब उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार ने करते हुए बीते दिन 500 लोगों की स्क्रीनिंग कर घर के लिए रवाना किया है। हालांकि इन सबकी एक लिस्ट भी बना ली गई है, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई भी परेशानी होती है तो इन लोगों को चिन्हित करना ज्यादा आसान होगा। इसके साथ ही वहां पर मौजूदा मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बीते दिन 8 से शाम 7 बजे तक लगभग 500 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। अभी भी लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है। सभी के आने के बाद ही यहां पर बॉर्डर पर खाना खिलाया जा रहा है। वहीं इनके नाम पता और जिले से संबंधित जानकारी का रजिस्टर भी बनाया जा रहा है। बिहार में बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं होने का जारी किया गया आदेश। जहां एक तरफ बिहार की बिजली कंपनियों के निजीकरण होने की खबरें सुनने में आ रही थी, वहीं बिहार सरकार ने साफ करते हुए कह दिया कि बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को बिहार ने ठुकरा दिया है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी करते हुए यह कहा है कि जो प्रावधान राज्य रहित में नहीं थे, उस पर बिहार की आपत्ति पहले से ही दर्ज करवा दी गई थी। प्राइवेटाइजेशन जैसे विषय पर हम पहले भी अपनी आपत्ति जता चुके हैं। अब कई मुद्दों पर हमारे बीच सहमति नहीं है, जिससे कि साफ तौर पर नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को अपना जवाब भेज दिया है। बीपीएससी करेगा इंजीनियरों और वाहन निरीक्षकों की नियुक्ति। इंजीनियरों और वाहन निरीक्षकों की नियुक्ति का जिम्मा अब बीपीएससी ने उठाया है, जिसके तहत बीपीएससी ने हाल ही में इंजीनियरों और वाहन निरीक्षकों के बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार को 2 जून तक आवेदन भरने की अपील की गई है। खबरों की माने तो बीपीएससी के द्वारा नगर विकास आवास विभाग में 255 अभियंताओं की बहाली के लिए आवेदन की मांग की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 मई को तय की गई है। बिहार का कटिहार 30वां कोरोना प्रभावित जिला बना। बिहार के कटिहार में 2 कोविड 19 प्रभावित के मामले मिले हैं। इसके साथ ही कटिहार राज्य का 30वां कोविड 19 प्रभावित जिला बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही बीते दिन 4थे कोविड 19 अपडेट को लेकर किए गए ट्वीट में बताया है कि प्रदेश में 16 नए मरीज मिले हैं, इनमें कटिहार के 2 हैं। खबरों की माने तो कोविड 19 से प्रभावित दोनों व्यक्ति कटिहार के कुर्सैला और रतनपुर के रहने वाले हैं। बिहार में कोविड 19 से तीसरे व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड 19 का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब जान गंवाने वालों के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है, जिसके तहत बीते दिन बिहार में तीसरे मरीज ने जान गंवा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार जान गंवाने वाला मोतिहारी जिले का रहने वाला था। इनका इलाज कुछ दिनों पहले मुंबई में हुआ था, वहीं कुछ दिनों पहले वह बिहार में लौटे थे।
बीती रात 10 बजे जयपुर से पटना के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बीती रात 10 बजे जयपुर से पटना के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है, जिसमें प्रवासी लोग और मजदूर को बिहार के लिए भेजा गया है, जिसकी पुष्टि रेलवे की तरफ से की गई है। रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल तय कर दिया है। पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन जयपुर से बीते दिन 10 बजे रवाना हुई है। 14 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके यह ट्रेन आज दोपहर 12:45 तक दानापुर पर पहुंचेगी। इसके बाद स्पेशल ट्रेन को दानापुर पर ही रोक दिया जाएगा। वहीं दानापुर पर ही स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों को आगे भेजा जाएगा। भागलपुर के JLNMCH में 3 मई की COVID-19 की होगी जांच। भागलपुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। COVID-19 के लगातार बढ़ते असर के बीच भागलपुर के JLNMCH में 3 मई से COVID-19 की जांच की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, जिसमें हर दिन 112 सैंपल की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जानकारी सूबे के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर दी है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि JLNMCH परिसर स्थित कल्चर एंड DSP लैब को COVID-19 जांच लैब के मानकों के अनुसार तैयार कर लिया गया है। जांच के लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 9 मरीजों के ठीक होने की कही बात। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 9 और मरीजों के ठीक होने की बात कही है। बिहार में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 91 पहुंच गया है। COVID-19 के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए बिहार की परेशानी बढ़ रही है। वहीं अब बिहार में प्रभावितों का आंकड़ 450 को पार कर चुका है। पटना हाईकोर्ट ने अदालतों को लेकर जारी किया निर्देश। पटना हाईकोर्ट सभी अदालतों को ध्यान में रखते हुए बीते दिन अहम निर्देश जारी किया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब सभी अदालतों में 17 मई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी। वह भी केवल ऐसे मामलों की सुनवाई होगी जो काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में यह साफ कहा गया है कि उच्च न्यायालय सहित राज्य के निचली अदालत में 17 मई तक वर्चुअल कोर्ट के जरिए ही सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के 3 जजों के फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। भाजपा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि 2 घंटे का कौन सा उपवास होता है। इसके साथ ही निखिल आनंद ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। 2 घंटे के सांकेतिक उपवास में सिर्फ फोटो खिंचवाई जा सकती है। विपक्ष का यह उपवास सुर्खियां बटोरने के ज्यादा कुछ नहीं था। आपको बता दें, राजद ने बीते दिन मजदूर दिवस के मौके पर उपवास कर सभी लोगों को वापस बुलाए जाने की मांग की थी। वहीं जदयू पार्टी के नेता अजय आलोक ने भी राजद के उपवास पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह पार्टी से नौटंकी पार्टी है। पिछले 35 दिनों में लोग घरों में बैठे हैं और आज जब ये घर में बैठे हैं तो नौटंकी इनकी शुरू हो गई है। बंद के बीच केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बीते दिन अहम ऐलान जारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इन योजनाओं से जोड़ा था। अब कुल मिलाकर 17 राज्य हो गए हैं जिसमें इस योजना से जोड़ा गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके दी है। लाइव चैट में निरहुआ ने खोले कई राज। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने बीते दिन लाइव चैट के दौरान कई सारे अहम राज खोले हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के जरिए करते हुए उन्होंने खुद की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प बात बताए हैं। लाइव चैट के दौरान निरहुआ ने अपने फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बताते हुए यह बताया कि उन्हें शुरू से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर काफी ज्यादा पसंद थी। वह करिश्मा को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि उनकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ते थे। उनकी कोई भी फिल्म आती थी तो निरहुआ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। वह करिश्मा कपूर के इतने बड़े दीवाने थे कि एक बार इसके लिए उन्हें डांट भी पड़ी थी, जिसके तहत उन्हें गार्ड ने पुशअप भी करवाया था। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंडियन क्रिकेट टीम फिसला नीचे। भारतीय क्रिकेट टीम को ICC टेस्ट रैंकिंग में करारा झटका लगा है। ICC द्वारा जारी किए गए नए टेस्ट रैंकिंग के पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जगह बना ली है, जबकि भारतीय टीम तीसरे नंबर पर खिसक गई है। वहीं दूसरे नंबर पर ICC द्वारा जारी किए गए टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट 115 रेटिंग के साथ काबिज है। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम का हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे, जहां भारतीय टीम ने मेजबान टीम से 2 टेस्ट मैच खेले थे और दोनों ही टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमित कुमार, संतोष कुमार, राजमोहन, अजय कुमार, उपेंद्र यादव, शशि भूषण, जीतू कुमार, रामदयाल पासवान, सतीश राज, धीरेंद्र कुमार, रवि सोनी, गोपाल महतो, सुधीर राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह और बढ़ाने से क्या कोरोना पर विजय पाने में सहायता मिल पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।